अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5 साइंस के साथ सर यूनस बेटा। टॉपिक है बेटा हमारे पास 6.4 शैडो फॉर्मेशन। ठीक है, शैडो फॉर्मेशन बेटा देखें, शैडो का मतलब होता है साया। देखें साया किस तरह बनता है, तो हमने इसको डिस्कस करना है बेटा। वो कहता है लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। देखें लाइट जो है ना हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। When an opaque object is placed in the path of light, जब आप किसी opaque object, मतलब कि एक ऐसा object जो टेढ़ा हो, आप उससे रखते हैं, तो it cannot pass through the object, तो वो कभी भी object से pass out नहीं हो सकती। क्या बोला? Light. Hence shadow is formed, लेकिन उसका shadow बन जाता है, उसका साया बन जाता है। ठीक है, behind the opaque object, उस opaque object के side पे उसका क्या बन जाता है? साया बन जाता है। मैं आपको यहीं पे example देता हूँ। देखें अभी मेरे पास ये hand है, ठीक है। अब देखें जब मैं इसको हैंड ऊपर लेकर आता हूँ सामने, तो ये लाइट इसके नीचे पास आउट नहीं हो रही, लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा, देखें यहाँ पर एक साया सा नज़र आ रहा है। देखें ये फिंगर का एक साया नज़र आ रहा होगा। इट्स मीन्स दैट कि जैसे ही आप ओपेक ऑब्जेक्ट साथ हाथ लेकर आते हैं, तो उसके जो बिहाइंड पे, उसके पीछे जो है उसका साया बनता है बेटा। ठीक है, क्योंकि लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट से कभी भी नहीं गुजर सकती। अब शेडो क्या है बेटा? अब वो उसकी तारीफ कर रहे हैं। व्हाट इज शेडो? शेडो इज अ रीजन ऑफ अ डार्कनेस, एक रीजन है बेटा एक डार्कनेस का, बिहाइंड जिस एंड ओपेक ऑब्जेक्ट, जो ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है, फेसिंग द सोर्स ऑफ लाइट, जब आप उसके ऊपर सोर्स ऑफ लाइट को फेंकते हैं। अब हम देखते हैं बेटा लोकेशन, साइज एंड शेप ऑफ शेडो। बेटा देखें द टाइप ऑफ शेडो डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ लाइट सोर्स, के शेडो जो है, जो साया है, वो कितना होगा, उसका साइज कितना होगा, तो वो डिपेंड करता है लाइट सोर्स के ऊपर, कि आप पास जो लाइट सोर्स है वो कौन सी है। शेप एंड साइज ऑब्जेक्ट, शेप और साइज क्या है ऑब्जेक्ट का, एंड इट्स पोजिशन फ्राम द लाइट सोर्स, और उसकी पोजिशन क्या है। पहली बात, लाइट सोर्स पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, और पोजिशन ऑफ फ्राम द लाइट सोर्स, कि वो लाइट सोर्स से कितना दूर पड़ा हुआ है बेटा। देखिए ये लाइटेड बल्ब हमारे पास नज़र आ रहा होगा बेटा, ठीक है, और ये हमारे पास समझ लें ये बॉल है। अब इस जब हम लाइट इसके ऊपर फेंकते हैं बॉल के ऊपर, तो ये लाइट रेज जाती हैं, तो इसके बिल्कुल बिहाइंड पे एक दीवार के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर एक डार्क शेडो विद शार्प आउटलाइन के साथ वो फॉर्मेशन होती है। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट पेज पे है, ठीक है। वो क्या बात कर रहा है? वो कहता है कि द शेडो फॉर्म्ड बाय अ पॉइंट सोर्स, जब आप शेडो बनाते हो एक पॉइंट सोर्स, अ वेरी स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट इज टोटली डार्क विद शार्प आउटलाइन। ठीक है, 6.3 के अंदर उसने ये बात की है कि जब शेडो फॉर्म होता है एक पॉइंट सोर्स से, तो वो टोटली डार्क होता है विद शार्प आउटलाइन के साथ। उसके बाद बेटा इसने दो एग्जांपल और भी दी हैं 6.4 के अंदर। वो कहता है व्हेन अ लाइट सोर्स इज अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, जैसे जैसे लाइट सोर्स ऑब्जेक्ट से दूर होता जाता है, द शेडो फॉर्म इज स्मॉलर, तो वैसे वैसे शेडो जो है, साया जो है, वो छोटा होता जाता है। ठीक है, लाइट सोर्स को अगर आप दूर करते जाओ किसी ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, आप लाइट सोर्स को दूर करते जा रहे हो। देखें ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और लाइट सोर्स यहाँ पर है, तो शेडो कितना बनना है स्मॉल साइज के अंदर। फिर हम क्या करते हैं, लाइट सोर्स को करीब लेकर आते हैं। इस डायग्राम में देखिएगा, लाइट सोर्स को हम जब क्लोज लेकर आते हैं, तो कितना बड़ा साया बन रहा है। इट्स मीन्स दैट कि लाइट सोर्स इज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, द शेडो फॉर्मेशन इज स्मॉलर व्हेन द लाइट सोर्स इज क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट, मेक्स द शेडो मच बिगर देन द ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट से भी ज़्यादा बड़ा साया बनाता है। द शेडो रिजेंबल्स द ऑब्जेक्ट इन शेप, और यूँ महसूस होता है कि जैसे जो ऑब्जेक्ट हमें मिला है, उस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल एक और ऑब्जेक्ट जो है उसके बिहाइंड पड़ा हुआ है। आई होप बेटा आपको लेक्चर क्लियरली समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन या कोई बात पूछनी हो तो बेटा आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।